आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में मटन। तो स्टार्ट करते हैं। तो तेल, तेजपत्ता, जीरा और सूखी मिर्च डाल के अच्छे से भून लेना है। उसके बाद डालना है प्याज, उसमें नमक और हल्दी ऐड करके उसको भी 5 मिनट तक भून लेना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज तो मटन पूरा ही गिर जाता, वो गिरने से बच गया। अब आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते तो आप लोग ही पता चलेगा कि कैसे ये मटन गिरने से बच गया है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और ये है मटन, 1 kg मटन था। और वो प्याज भुंजाने के बाद अब इसको मैं मटन डाल देना है। मटन डालने के बाद उसको अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर ले। अब ये भुजा गया है। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने जीरा, मरीच, लहसुन और गरम मसाला का एक पेस्ट तैयार कर लिया था। और इसमें डालना है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, ये सब डाल के इसको भूंजना है अच्छे से। 10 मिनट तक इसको भूज लेंगे तो उसका अच्छे से पूरा कलर ये छोड़ देगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखिए मटन भुजा गया। अब इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी धीमी आंच कर देंगे ताकि अच्छे से पके। देखिए अभी मटन गिरने से बच गया ना। और ये मटन बनके बिल्कुल भी रेडी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल